अगर आपका स्टोर रेडी है और आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर चुके हैं, तो शिपिंग जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस सब में। और तो हम कैसे शिपिंग अपने स्टोर के ऊपर कैसे हम अप्लीकेबल कर सकते हैं, कैसे हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शिपिंग हमें कहाँ मिलेगा, हम जाएंगे डैशबोर्ड में, वूकमर्स के अंदर सेटिंग्स में एंड देन शिपिंग में। ओके अब आता है सबसे फर्स्ट जो है शिपिंग्स के अंदर, जब हम आते हैं तो इसके अंदर हमें 3 सब मेन्यूज देखने को मिलते हैं, शिपिंग जोन, शिपिंग ऑप्शन और शिपिंग क्लासेस। तो सबसे पहले है शिपिंग जोन। तो शिपिंग जोन हमें पहले ऐड करना होता है। ओके जोन का मतलब हुआ जैसे एक जगह हमने ले ली, जैसे मेरा स्टोर अगर मुंबई में है और मैं उसके लिए एक जोन बनाना चाहता हूँ, मैं डिफरेंट जोन बनाना चाहता हूँ कि अगर मेरे ऑर्डर्स नॉर्थ जोन में जाएं, जैसे दिल्ली और हिमाचल साइड में मेरे ऑर्डर जाए, तो उसके ऊपर कुछ अलग शिपिंग रेट मेरा लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं शिपिंग जोन क्रिएट करता हूँ। अगर मेरे को मुंबई में ही मेरा ऑर्डर शिप करना है तो वो फ्री शिपिंग में जाए या लोकल पिकअप के अंदर जाए, या मेरे को अपना ऑर्डर गोवा साइड शिप करना है तो वो किसी और डिफरेंट रेट के ऊपर जाए, ठीक है, उसका शिपिंग कॉस्ट जो है वो अलग हो। तो उसके लिए हम वूकमर्स के अंदर शिपिंग जोन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक शिपिंग जोन। मैं 2 जोन बना देता हूँ, नॉर्थ जोन, ओके, रीजन में सेलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली इंडिया, डन। और उसके लिए मैं एक शिपिंग मेथड अभी ऐड कर देता हूँ, फ्लैट रेट मैंने अभी के लिए ऐड कर दिया। ओके इसकी सेटिंग हम बाद में करते हैं, अभी हमने सिर्फ जोन बनाया। और एक और जोन मैं बना लेता हूँ, ये मैं बना लेता हूँ मुंबई के लिए, मुंबई, ठीक है, और इसको हम मुंबई महाराष्ट्र, अच्छा ठीक है, इसमें हमने महाराष्ट्र ऐड कर दिया और शिपिंग हमने रख दी इसमें फ्री शिपिंग, ठीक है। लोकल पिकअप भी मैं रख सकता हूँ पर मैं फ्री शिपिंग अभी रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 जोन बना दिए अपने स्टोर के अकॉर्डिंग, कि एक नॉर्थ जोन हो और एक मुंबई मैंने रख दिया, कि अगर नॉर्थ जोन में मेरा ऑर्डर जाए तो वो फ्लैट रेट शिपिंग के ऊपर जाए, ठीक है। वो रेट मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, अभी 2 वीडियोस और बननी है इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप जोन कैसे क्रिएट करते हो और जोन क्रिएट करने का मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको शिपिंग जोन के बारे में समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शिपिंग ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे और देन शिपिंग क्लासेस के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।